तो बच्चों क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? यस ओके। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या फिनिश कर दिया हमने? लास्ट लेक्चर में क्या फिनिश करा हमने? चैप्टर फिनिश कर दिया। अच्छा, एक्सरसाइज के सम्स की बात होती है ना, जो अपने गेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गेट से रिलेटेड है, ठीक है? आगे ना बाकी सारे आपको आ जाएं ऐसे ही है, ठीक है? तो गेट्स वालों जो सम है उनकी बात करते हैं। तो पहला सम हमें दिख रहा है 14.14 एक्सरसाइज में, एडिशनल में। तो नीचे आपको दो सर्किट दिए हैं। यू आर गिवन द टू सर्किट एज शोन इन द फिगर, शो दैट सर्किट ए एक्ट्स एज ऑर गेट एंड बी एक्ट्स एज एंड गेट। यानी पहली वाली जो है वो ऑर गेट है और दूसरी वाली जो सर्किट है वो एंड गेट है। तो चलो तो देखते हैं कैसे और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना। जो जी नीट में आप करने वाले हो वही आप यहाँ पे करोगे। देखो ये कौन सा गेट है, माला की आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, पर ऐसा ना हो और आपको सर्किट बता के पूछे ये कौन सा गेट है तो आप सीधा आंसर दे सकते हो और गेट। कैसे? ये नॉर है, ठीक है, ये नॉट है। तो नॉर का उल्टा करोगे तो और मिलेगा ना भाई, या दूसरा तरीका समझ में आ गया ना। नॉर का उल्टा यानी आपको और मिलेगा। एक और तरीका बताता हूं, अगर इतना सिंपल ना हो क्वेश्चन तो आपको बुलियन इक्वेशन लिखना चाहिए। तो यहाँ पे वाई डैश क्या मिलेगा? तो ये नॉर है तो ए और बी का पहले एडिशन होके उसका बार हो जाएगा, और ये नॉट गेट है यानी जो इनपुट आया उसका बार कर दीजिए, यानी ए प्लस बी बार है उसका भी बार। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? ए प्लस बी। तो ये कौन सा गेट हो गया? और गेट। बोलो समझ में आया तरीका? हाँ के ना मैसेज करो, समझ में आ जाए ऐसा ही तरीका है, बिल्कुल सरल है। दूसरा है फोर ए सॉरी दूसरा एक और है बी 14.14 में ही। ये कौन सा गेट है? हालांकि हमें आंसर दिया गया है पर हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। तो सबसे इजी तरीका क्या है? तो कि बूलियन इक्वेशन लिखते जाइए। ये नॉट गेट है, इसका क्या करेगा भाई? ए का ए बार करेगा। ये भी नॉट गेट, बी का क्या करेगा? बी बार। यानी ए कौन सा गेट है? नॉट। अब मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार हो जाएगा और गेट है, वो उसका उल्टा करेगा, ए बार प्लस बी बार का भी बार। सही है? क्या मेरा तरीका समझ में आ रहा है? हाँ के ना। हम एक एक स्टेप पे जा रहे हैं, यानी डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया पर इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये बार को हटाएंगे हम लोग, तोड़ दिया मैंने ऊपर वाले बार को, तो बार का बार हो गया। यहाँ पे डॉट होना चाहिए ना, डी मॉर्गन लगाया, वी विल गेट ए डॉट बी, दिस इज एंड गेट। क्या बच्चों समझ में आया? कोई आपको बुलियन इक्वेशन बनाना है तो इस तरह से बनता है। आपको ट्रूथ टेबल लिखना जरूरी नहीं है, हालांकि आप ट्रूथ टेबल से भी आंसर सही ला सकते हो, ट्रूथ टेबल से भी सही ला सकते हो, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बुलियन अलजेब्रा लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कैसे बुलियन इक्वेशन बनते हैं। तो ये सिंपल है बच्चों तरीका, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। या फिर आप क्या करिए, ट्रूथ टेबल बनाइए। एक साइड आप इसका क्या लिखोगे? ए बी, फिर नॉट गेट यानी ए बार बी बार, फिर ये नॉर गेट यानी ए बार प्लस बी बार का बार, ये फाइनल। अब इसका आप क्या बनाइए? ट्रूथ टेबल।
0011 0101 ये तो पता है। अब ए का उल्टा 1100 1010, बी का उल्टा हो गया। अब ए उल्टा बी उल्टा उनका ऐड करके उल्टा करना है, यानी नॉर करना है, ए बार बी बार का नॉर करना है, ए बार बी बार का क्या करना है नॉर, नॉर करना है। तो भाई यहां पे वन होगा, बाकी सब जगह जीरो होगा। समझ में आया ना? नॉर का मतलब क्या है, दोनों इनपुट जीरो हैं तो वन मिलेगा, और का उल्टा। ये सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या देखना है, इनपुट और फाइनल आउटपुट, इनपुट और फाइनल आउटपुट। तो इनपुट में आपने जब दोनों जीरो जीरो, एक जीरो जीरो, एक जीरो जीरो, दोनों वन तो वन, कौन सा गेट, एंड गेट। दिस इज द मेथड ऑफ ट्रुथ टेबल। बट अगर आप ट्रुथ टेबल की लंबी प्रोसीजर से ना गुजरना चाहते हो भाई, तो सिंपल आप क्या लिख दीजिए, बूलियन इक्वेशन। क्या समझ में आया, यस और नो? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके? उसके बाद 14.15 भी है बच्चों, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द नैंड गेट कनेक्टेड एज गिवन। ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, याद है आपको, ये नैंड गेट है, इसके दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिए आपने, ए दिया इधर भी आया इधर भी आया, तो इसका ट्रुथ टेबल आपको लिखना है। तो ए वाई याद है 0110, हाँ के ना? तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तो नॉट गेट बन गया, और नॉट गेट बना तो 0110 होना है, हाँ के ना? बोला हाँ के ना, समझ में आया कि नहीं, मैसेज करो फास्ट। हाँ सर आ गया, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गए ऐसे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। 15 हो गया, 16 देख लेते हैं। देखो अंदर 16 खुद से करने का ट्राई करो, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो मैं समझाने वाला हूं, फिर हो जाएगा। क्या है देखो 14.16 में, यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन द फिगर विच कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द टू सर्किट्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड बाय द टू सर्किट्स, ओके? तो बच्चों हम लोग ये कर चुके हैं, नहीं किया है तो अभी फिर से कर देते हैं, क्यों कौन से लॉजिक पे चलेंगे भाई, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो आपके पास ये कौन सा गेट पहले दिया है इन्होंने, नैंड, फिर वही नैंड गेट के दोनों शॉर्ट करके आपको फाइनल आउटपुट लिखना है, ये ए है ये बी है। अभी कौन सा लॉजिक पे चलेगी भाई ये सर्किट, तो या तो आप ट्रुथ टेबल बनाओ या तो आप बुलियन इक्वेशन लिखो। बढ़िया वाला लॉजिक क्या है, बुलियन इक्वेशन। अच्छा वो ना लिखो तो भी हो जाएगा, ये कौन सा गेट है, नॉट, एंड के सॉरी नैंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट करो तो नॉट बनता है, ये कौन सा है, यानी नैंड का नॉट करना है, यानी नैंड का उल्टा। तो यहाँ पे कौन सा गेट बना, ये पूरा कौन सा गेट बनेगा, एंड। आ गया समझ में? यानी आप कहोगे सर पहले आप कह रहे थे ट्रुथ टेबल थोड़ा लंबा है, फिर आपने कहा कि बुलियन इक्वेशन लिखिए, फिर बुलियन इक्वेशन से भी शॉर्ट आपने बता दिया। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को छोटा से छोटा आप बना सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके? नैंड का उल्टा करना है तो क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। चलो ठीक, दूसरी सर्किट देखिए। दूसरी सर्किट बढ़िया है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। क्या मैंने ऐसा करवाया है, नहीं करवाया तो अभी हो जाएगा। अब इसका बुलियन इक्वेशन भी हम लिखेंगे, आप चिंता मत करना, बुलियन इक्वेशन भी हम लिखेंगे और लॉजिक भी आपको बताया जाएगा। तो ये कौन सा गेट है बताओ, नॉट, यानी यहां पे ए बार हो गए। ये कौन सा गेट है बताओ, नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार। ये कौन सा गेट है, अब ये नॉट नहीं है, ये नैंड ही है,
ए बार इसका पहला इनपुट है, दूसरा इसका इनपुट बी बार है, एंड होगा यहां पे, फिर उसका उल्टा ऊपर एक और बार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बार को तोड़ेंगे, तो जब आप बार को तोड़ रहे हो इस वाले को, तो बीच में प्लस, हमें क्या आंसर मिलेगा, उल्टे का उल्टा सीधा, बार का बार वही आ जाएगा, ए डबल बार ए आ गया, बी डबल बार बी आ गया, ये कौन सा गेट हो गया भाई, और तो ये और पे चलेगा क्या, हमने देखा था, यस सर आपने हमें सिखाया था कि नैंड गेट का यूज करके अगर आपको और बनाना है तो कितने नैंड और कैसी सर्किट, तो इतने नैंड और तीन नैंड और ऐसी सर्किट बनने वाली है। अच्छा अब आपको एक लॉजिक देता हूं मैं यहाँ पे, पहले खत्म करके ऐसा इसका एक लॉजिक देता हूँ, बाकी अब आपको आ जाएंगे। 17 है और 18 है, एम्पलीफायर तो हमारे नहीं है, तो 17 18 आपको आ जाएंगे बच्चों, ठीक है 101% आ जाएंगे, पर इसमें मैं एक बढ़िया लॉजिक आपको दे देता हूँ। देखो इसको आप सिंपली लिखना चाहें, इसको ध्यान से देखना, तो क्या आप बच्चों ऐसे ड्रॉ कर सकते थे इसको, हाँ के ना, यही हुआ ना सेम, क्या मैं इसको इस तरह से कर दूं बच्चों, कुछ उल्टा, हाँ के ना, यस और नो बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने नॉट की जगह एक बबल लिख दिया, तो आप समझ गए यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, बबल का मतलब आप यही समझते हो ना। अच्छा इसको मैं बोलता हूं बबल्ड नैंड, क्या बोला मैंने, बबल्ड नैंड, ये नैंड है, उसके आगे इनपुट में बबल लगे हैं, तो मैंने क्या बोला बबल्ड नैंड, और ये क्या बनता है, और क्या बनता है, और समझ में आया बच्चों, यस और नो, फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन से कि क्या ये बबल नॉर बबल नैंड बना, यस बबल नैंड है, तो आंसर क्या आया, और इसी तरह से अगर आप बबल नॉर बनाओगे तो आंसर क्या आएगा, एंड। ऐसा बबल्ड नॉर हमारे पास लगभग 14 एक्सरसाइज में ही है, लगभग मेरी एक नजर गई तो मुझे ऐसा लगा कि है, वो दो सब मैंने आपको करने के लिए कहे ना, उसमें देखो है, यस 14.18 वाला जो है ये वाला, इसमें ये बबल्ड नॉर हो रहा है, बबल्ड नॉर यानी उसका आंसर एंड है, चेक करो तो पीछे चेक करो, 14.18 का फाइनल आंसर बी का क्या एंड गेट है, देखो तो 14.18, यस, तो दिस इज द लॉजिक आया, बबल्ड लॉजिक। एक और बताता हूं, बढ़िया, अभी तक हम यहां ही नहीं रुकेंगे, आप चाहे कोई भी ये करके देख लेना, यहां पे मैंने लिखा बबल्ड एंड तो नॉर हो जाएगा, और अगर लिखा बबल्ड और तो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा, समझ में आया ये कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको समझाता हूं अभी फिर से समझाता हूं एक बार, चलो डन। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया, पहले वाला बबल्ड एंड नैंड है तो नॉर ओ और बनेगा, अब यानी अब इस चार लॉजिक में से कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4, फिर इसका लॉजिक देखूंगा याद रह जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है भाई, बबल्ड लॉजिक, ऐसा कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं, तो बनाया गया है, देखो कैसे, समझना बच्चों समझना बच्चों इसको समझना है, अब देखो किस तरह से ये बनेगा,
हम लोग तीसरा वाला चेक करते हैं, तीसरा वाला बबल्ड एंड। तो पहले मैंने एंड बनाना है, ये एंड है, उसके आगे बबल लगा देने हैं, दिस इज कॉल्ड बबल्ड एंड, ए बी और ये बार। तो कौन सा आउटपुट देगा ये देखो, तो ए होके उसका ए बार हुआ, बी होके उसका बी बार हुआ, और एंड है यानी अंदर डॉट हुआ। तो यानी आपको आंसर क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। अब आप डी मॉर्गन का उल्टा करो, तोड़ने की जगह आप जोड़ो, तो अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो डॉट का क्या हो जाएगा, प्लस। ये कौन सा गेट है, कौन सा, नॉट, समझ में आया। ये क्या बोला मैंने, बबल्ड एंड, बबल्ड का मतलब इनपुट में बबल है यानी नॉट हो रहा है। ये सही से समझ में आया, हाँ के ना बोलो, मैसेज करो फास्ट, ठीक है। और चौथा भी देखते हैं, चौथा भी दिखा देता हूं आपको सॉल्यूशन कैसे होगा, चौथा देखें। बबल्ड और है तो पहले और बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अंदर ही सॉल्यूशन कर देंगे। ये और है, बबल्ड है यानी इनपुट पे ही नॉट लगा दिया है, बबल्ड और, ठीक है, यहां पे इसका आउटपुट मिलेगा। और ये कौन सा गेट बनेगा, तो हमने लिखा है बबल्ड और नैंड बनेगा। तो पहले यहां पे ये बार आएगा, इसका बी का के बी बार हो जाएगा, और ये और है तो यानी प्लस होगा, तो यहां पे आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन लगाओ, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़ा तो प्लस का क्या हो गया, डॉट। ये कौन सा गेट बनता है भाई, नहीं, क्या लॉजिक समझ में आया, बबल्ड और होगा तो क्या बनेगा, नहीं। क्या बच्चों सबको ये लॉजिक समझ में आया, मैसेज करो फास्ट, सबको समझ में आया, यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं। बूलियन इक्वेशन से मैंने ये सॉल्व तो कर दिया बढ़िया से, बट अब इसका शॉर्टकट देखो, सब कुछ याद है। आप मेरे को कोई भी पूछ लो, चलो आप पूछो, मैं बोलता हूं देखो, आप देखता अंदर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं बबल्ड और नैंड है कि नहीं, बबल्ड एंड नॉर, बबल्ड और नैंड, बबल एंड नॉर, सही है ना। अब ये मेरे को कैसे याद रहता है, तो देखो मेरा लॉजिक ये है, पहली बार हम लोग लॉजिक से अलग तरीके से याद रखेंगे, यानी इन दोनों आंसर में देखो, एक साइड एंड है तो दूसरी साइड और है, दोनों साइड देखो, कोई भी साइड ले लो, अभी नैंड नॉर मत देखो, सिर्फ ऐसा देखो एंड है कि नहीं, एंड है तो और है तो एंड है तो और है तो नैंड है, सॉरी एंड है, यानी अगर एंड है तो दूसरी साइड और होगा, अगर इधर और है तो उधर। दूसरी एक ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि दोनों में से किसी एक साइड एन लगा होगा, देखो अगर आपने इधर नैंड बोला, सर बबल्ड नैंड, तो मेरे को पता है और आंसर आएगा, देखो एन है तो इधर एन नहीं लगेगा, इधर एन है तो इधर एन नहीं लगेगा, इधर एन नहीं है तो एन लगेगा, इधर एन नहीं है तो एन लगेगा, दिस इज द लॉजिक। क्या बच्चों समझ में आया, यस और नो, स्क्रीनशॉट लो, यस, सिंपल लॉजिक है।